छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला मुख्यालय से खबर आ रही है, जहां सड़कें न सिर्फ संकरी हैं बल्कि जर्जर भी हैं। जानकारी के मुताबिक यहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम हमेशा लगा रहता है। इसके अलावा शहर में शिक्षा व्यवस्था समेत स्वास्थ्य की स्थिति बेहद खराब है। साथ ही सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी और सुविधाओं के अभाव के चलते ज्यादातर मरीजों को रेफर कर दिया जाता है। मरीजों को मोटी रकम देकर निजी अस्पताल में इलाज करवाने को मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं नागरिक धर्मतरी जिला मुख्यालय को नगर पंचायत बनाने की मांग की जा रही है। छत्तीसगढ़ भाजपा के महामंत्री रामू रोहरा का कहना है कि धमतरी शहर में विकास जमीन के अभाव में नहीं हो पाया, क्योंकि यहां जमीन ही नहीं है। मेडिकल, कृषि महाविद्यालय समेत कई विकास कार्यों को करने के लिए जमीन नहीं है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बने अभी कुछ ही महीने हुए हैं, आने वाले समय में विकास जरूर होगा। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। धमतरी का विकास हुए कहाँ है? विकास शब्द की परिभाषा ही धमतरी वासी बोल रहे हैं। ये पहले तो दमन किया यहाँ रमन सिंह ने, अजीत जोगी वो इस समय में ऐसी रहा, और उसके बाद कहते हैं भूपेश बघेल की सरकार ये शून्य रही। अभी आए दिन में, अभी गत दिनों में एक एक्सीडेंट हुआ है, वो ट्रक यहाँ पे थी। हर आदमी ये बोलता है कि वो ट्रक वाला दोषी है, क्योंकि न्याय की भाषा में ये होता है कि जो बड़ी गाड़ी होती है वो दोषी होता है। जबकि देखिए एक रोड पे जो नाला है उसके ऊपर कवर नहीं हुआ, अचानक वो सकरा हो गया। इस प्रकार से वो जब ओवरटेक करके गया तो वो एक्सीडेंट में मारा गया। और इसी प्रकार से यहाँ की जो लाखों जो जनसंख्या नागरिक है वो अपने विकास को तरस रहे हैं, वो तो विकास की परिभाषा ही भूल गए हैं। और यहाँ नेतृत्व का अभाव तो है ही है। विगत दिनों में जो अभी हमारे गत विधायिका है उसने जरूर प्रयास कर रहे, किंतु कहते हैं कुछ लोगों कारणों से वो ना आ पाई, तो उससे भी हमारे को वो हुआ है। हम तो कहते हैं धमतरी को वापस नगर पंचायत ही घोषित कर दो। जिला पहले उससे तो लाख गुना अच्छा था जिला बनने से। जिला बनने के बाद देख लो, नगर निगम बनने के बाद देख लो, नगर निगम बनाने का कारण ये था कि टैक्स वसूल सके। बाकी वैसी सुविधाएं कहाँ है जैसे बाकी निगमों में मिलती है? ना रोड है, ना लाइट है, ना कॉलेज, ना कॉलेज है। जितने नए नए चीज आती है सब इधर उधर चली जाती है, लेकिन धमतरी कुछ नहीं हो पाता। विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होंगे, भाजपा ने बनाया, भाजपा ही संवारेगी। छत्तीसगढ़ का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। और 2003 से 2018 तक लगातार विकास के काम हुए। 5 साल कांग्रेस की सरकार आई, सारे काम विकास के रुक गए, सिर्फ भ्रष्टाचार का काम हुआ। फिर से माननीय विष्णुदेव जी की सरकार बनी है और सारे काम साय साय होंगे। धमतरी भी विकास के काम में पीछे नहीं रहेगा। फोटो खिंचाने से कोई विकास के काम नहीं होंगे, धरातल पे काम होंगे, सही काम होंगे और विकास के काम रुकेंगे नहीं। धमतरी में विधानसभा में जमीन की कमी है, शासकीय भूमि की कमी है, इसलिए काम विकास के काम रुके हुए हैं। हम आग्रह करेंगे प्रशासन से कि कोई व्यवस्था करे जिससे विकास के काम तत्काल हो। सड़कों के काम, पानी का बंद पड़े हैं, सड़कों के काम फिर से होंगे, रिपेयरिंग भी होंगी और नई सड़कों का निर्माण भी होगा। आने वाले 4 साल में विष्णुदेव सरकार के समय में सारे काम सहसाय होंगे। विकास एक नाम हो गया हमारे धमतरी के लिए। मतलब विकास मतलब शब्द सुनने के बहुत तरह से विकास कैसे होता है। आज धमतरी के इतिहास में देखा जाए 27 साल हो चुके हैं पूरे जिले को बने हुए, 28वां साल हमारा रनिंग है, लेकिन उसमें काम जो है ना 5 साल का जो लायक भी नहीं हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ सरकारें ध्यान देती ही नहीं है। और आज जो है धमतरी सबसे पिछड़ा हुआ है, सभी जिलों से पिछड़ा हुआ है। मैं ऐसा समझता हूँ छत्तीसगढ़ का सबसे पिछड़ा जिला धमतरी जिला है। धमतरी जिला बने आज 26 साल हो चुके हैं और ये 26 साल में आप जानते हो कि पिछले 15 साल बीजेपी की शासन रही छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य 2000 में बनी और ये 15 साल में बीजेपी की शासन रही। और धमतरी की जब बात आती है, धमतरी धान के क्षेत्र में किसानों के लिए धान जो उपज देती हैं वो छत्तीसगढ़ में होती हैं। गंगरेल बांध है, गंगरेल बांध से हम लोग गंगरेल से पानी आपका भिलाई स्टील प्लांट में जाती है और आपका रायपुर शहर के लिए भी देते हैं। तो धमतरी का जो दुर्भाग्य है कि धमतरी का विकास आज तक से नहीं हो पाया। तो जब से मैं विधायक बना हूँ और विधायक बनने के बाद धमतरी की जो पुल पुलिया रोड नाली और प्रमुख मुद्दा है, आप जानते हो कि मेरे विधायक बनते ही
धमतरी जिला अस्पताल में ट्रामा सेंटर भी का भूमि पूजन हो गया है और बनना भी चालू हो गया है। अभी आप देख रहे हैं कि धमतरी जिले में एक मांग है मेडिकल कॉलेज का और आपका आईटीआई कॉलेज का, तो ये लगभग आईटीआई कॉलेज को अब धमतरी जो बनना था वो पूर्व चला गया है और जिले में जिला मुख्यालय होने के नाते धमतरी में बनना था जो कि आज पूर्व में शिफ्ट हो गया है।